प्रोबेबिलिटी थ्योरी पार्ट टू। मैंने पार्ट वन में प्रोबेबिलिटी थ्योरी के पार्ट वन में इनिशियल जो प्रिलिमिनरी चीज़ें थी, जो शुरुआत की चीज़ें थी, वो मैंने आपको बताई। यहाँ पे पार्ट टू में हम इसके आगे की चीज़ें देखेंगे। इसमें सबसे पहले आता है सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस क्या है? एक बहुत बड़ी टर्म है सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस जितने भी पॉसिबल, कोई भी एक्सपेरिमेंट आपने किया उसमें जितने भी पॉसिबल आउटकम्स हैं उन सबका सेट। जैसे हमने एक टॉस को कॉइन किया, कॉइन को टॉस किया तो उसमें हेड आया या टेल आया। इसी तरह से हमने किसी डाइस को थ्रो किया, उसमें एक से लेकर के छः तक के नंबर आए, तो ये सारे के सारे आउटकम्स हैं, उन सबका सेट, वो पॉसिबल आउटकम्स का सेट, ये एक सैंपल स्पेस कहलाता है। अब बात है इवेंट। तो सैंपल स्पेस सारे का आउटकम्स आ गए, उसमें से कोई सा एक आउटकम या कुछ आउटकम्स का सेट, जिस तरह से हम डिफाइन करना चाहें, वो एक इवेंट कहलाती है। तो हम वेन डायग्राम की हेल्प से हम बता सकते हैं कि सैंपल स्पेस एक बड़ा एरिया है, बड़ा क्षेत्र है, उसमें से आउटकम उसका एक सबसेट है और वो छोटा एरिया है। अब आती है बात प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी क्या होती है किसी भी इवेंट की या किसी घटना के होने की प्रोबेबिलिटी क्या है? सपोज़ मान लीजिए हमने एक कोई भी एक्सपेरिमेंट किया और उसके n आउटकम्स O1 O2 ON हैं, तो इन सारे आउटकम्स का सेट सैंपल स्पेस कहलाएगा। उसमें से हमने कोई सी एक इवेंट डिफाइन की, जैसे हमारे पास मैंने एक इवेंट ऐसे एक डाइस को थ्रो किया, उसमें से मैंने एक इवेंट मान ली कि 6 कोई इवन नंबर आएगा। तो इवन नंबर आने का मतलब है कि उसमें 2 आ सकता है, 4 आ सकता है, 6 आ सकता है। इसका मतलब हम इवन नंबर के लिए मेरे पास जो फेवरेबल केसेस हैं वो 3 हो गए, कि नंबर ऑफ आउटकम्स जो हमारी मेरी इवेंट हुई वो इवेंट है कि इवन नंबर आना। तो उसमें इवन इवेंट के लिए मेरे पास 3 ऑप्शंस आए, 2, 4 या 6। तो नंबर ऑफ आउटकम्स इन ई, यानी नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स एंड टोटल नंबर ऑफ केसेस, दिस इज डिफाइंड इन द एज द प्रोबेबिलिटी। ये एक प्रोबेबिलिटी हम डिफाइन कर सकते हैं, जैसे नंबर ऑफ आउटकम्स। इसी तरह से हम प्रोबेबिलिटी डिफाइन किया हमने, अप्लाइज ओनली टू द स्पेशल केस। ये दो स्पेशल केस, द सैंपल स्पेस हैज ए फाइनाइट नंबर ऑफ आउटकम्स, ऐसा नहीं कि इनफाइनाइट तक कोई चेंज चलते चले जाए, और ईच काउंट आउटकम इज इक्वली प्रोबेबल, और सारे के सारे बराबर प्रोबेबिलिटी हो उन सब की, उसके लिए हम एक इक्वली प्रोबेबल हो उसके लिए हम एक प्रोबेबिलिटी डिफाइन करते हैं। अब प्रोबेबिलिटी के रूल्स की हम एक समरी लें कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, यानी कि ए या बी होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए के होने की प्रोबेबिलिटी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी के होने की प्रोबेबिलिटी माइनस दोनों के एक साथ होने की प्रोबेबिलिटी। इसी तरह से यदि हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी, यानी दोनों एक साथ नहीं हो सकते, वो एक दूसरे के इंडिपेंडेंट इवेंट हैं, तो पी ए यूनियन बी इक्वल टू पी ए प्लस पी बी, यानी ए और बी के अलग अलग होने की प्रोबेबिलिटी के सम के बराबर होगी, यदि हमारे पास इंडिपेंडेंट इवेंट के केस में। अब रूल ऑफ कॉम्प्लीमेंट, जैसे प्रोबेबिलिटी कोई सी घटना, यानी कोई भी आपने एक्सपेरिमेंट किया तो घटना तो होगी, उसमें घटना के होने की प्रोबेबिलिटी इक्वल टू 1 माइनस घटना के ना होने की प्रोबेबिलिटी। इसका मतलब ये हुआ कि घटना के ना होने की प्रोबेबिलिटी इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरिंग ऑफ द इवेंट। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन अकरिंग ऑफ इवेंट्स इक्वल टू 1। तो ये एक जनरल फिनोमेना है, ये और रूल ऑफ कॉम्प्लीमेंट के नाम से भी जानते हैं इसको। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की समरी, जो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी हम देख चुके हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी, यानी कि ए के होने की प्रोबेबिलिटी जबकि बी हो चुकी हो, इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, मीन्स एक साथ होने की प्रोबेबिलिटी डिवाइडेड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, यानी बी की घटना होने की प्रोबेबिलिटी। इसी तरह से हमारे पास मल्टीप्लीकेशन रूल्स आते हैं, यानी कि पी ए इंटरसेक्शन बी, यानी कि पी ए एंड बी एक साथ होने की प्रोबेबिलिटी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के टर्म्स में हम देखें तो दैट इज इक्वल टू पी ए इंटू पी बी बाई ए, जबकि पी ए यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज़ नॉट इक्वल टू 0। इसी तरह से हमारे पास हम पी बी की टर्म्स में लें तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी मल्टीप्लाइड बाई द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू बी, यानी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, जहाँ पे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज़ नॉट इक्वल टू 0। इसी तरह से इंडिपेंडेंट के केस में हमारे पास पी ए इंटरसेक्शन बी, यानी कि दोनों को एक साथ होने की प्रोबेबिलिटी दोनों की प्रोबेबिलिटी के होने के मल्टीप्लाई के बराबर होती है। तो ये हमारे इंडिपेंडेंट के केस में दोनों मल्टीप्लाई हो जाते हैं। दिस इज़ द डेफिनेशन ऑफ द इवेंट इंडिपेंडेंट। अब आती है काउंटिंग टेक्निक्स। हमारे पास काउंटिंग क्या क्या टेक्निक्स होती हैं? फाइनाइट यूनिफॉर्म प्रोबेबिलिटी स्पेस, मैनी एग्जाम्पल्स फॉल्स इनटू दिस कैटेगरी, यानी कि आपके पास यूनिफॉर्म प्रोबेबिलिटी स्पेस है पूरा। जैसे फाइनाइट नंबर ऑफ आउटकम्स, इसमें नंबर ऑफ आउटकम्स है फाइनाइट, इनफाइनाइट तक कोई चेंज नहीं चलनी चाहिए।
ऑल आउटकम्स आर इक्वली लाइकली, यानी जितने भी आउटकम्स जितनी भी घटनाएं हो रही हैं उन सब के होने की प्रोबेबिलिटी का उनके चांसेस हैं वो सब के सब बराबर होना चाहिए। और प्रोबेबिलिटी डिफाइंड एज द नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट्स डिवाइडेड बाई द टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स, दिस इज डिफाइंड एज प्रोबेबिलिटी। तो टू हैंडल इन केस वी हैव प्रॉब्लम्स, इन केस वी हैव टू बी एबल टू काउंट काउंट एन ई और एन एस, यानी कि ये वाली चीज़, यानी कितने हमारे पास फेवरेबल केस हैं और कितने टोटल नंबर ऑफ केसेस हैं, इनको इवेल्युएट करना एक इटसेल्फ एक बड़ा टास्क होता है और जो इम्पोर्टेंट टास्क भी होता है। अदरवाइज बाकी तो बात पार्ट बहुत सिंपल है, कैसे हम इनको काउंट करें विद द हेल्प ऑफ परमुटेशंस और कॉम्बिनेशंस। टेक्निक्स कौन कौन सी हैं इसमें, नंबर वन रूल वन, सपोज वी कैरी आउट हैव ए सेट्स ए वन ए टू ए थ्री एंड दैट एनी पेयर आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। हमारे पास कोई भी हमने एक्सपेरिमेंट किया उसके हमने एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट के सेट्स हमारे पास ए वन आया ए टू आया ए थ्री आया और सारे के सारे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं, यानी कि ए वन और ए टू में कोई भी कॉमन नहीं है, ए टू ए थ्री में कोई कॉमन नहीं है, इस एक दूसरे में कोई भी कॉमन नहीं है। तो एन आई, यहाँ पर हम एन आई को डिफाइन करें, दैट इज़ द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए आई, ए आई में जितने भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं वो हमने एन आई से डिफाइन किया। इसी तरह से हमने ए को पूरे को सारे के सारे सैम्पल स्पोर्स को हमने सारे के सारे जितने भी इवेंट्स हुई थी हमारे आउटकम्स आए थे उन सबको यूनियन की फॉर्म में हमने ले लिया। तो टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स बिकम द टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स इन ए, यानी नंबर ऑफ एलिमेंट्स और इन ए, तो एन वन एन टू एन थ्री ये तो सारे के सारे हमारे पास टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स हो गए, और यहाँ पर जो ये जो एन आई है ये वाला ये फेवरेबल नंबर ऑफ आउटकम्स हो गए। तो इस तरह से हम रूल वन है, एक थंब रूल है, एक सबसे सिंपल है जो कि कॉमन सेंस से आपको निकाला जा सकता है। ये एक वेन डायग्राम की फॉर्म में मैंने बताया कि ए वन में एन वन है, ए टू में एन टू है, ए थ्री में एन थ्री है, ए फोर में एन फोर है। रूल टू, सपोज वी कैरी आउट टू ऑपरेशन इन सीक्वेंस, हम एक के बाद एक ऑपरेशन हम कर रहे हैं कि एन वन इज़ द नंबर ऑफ वेज द फर्स्ट ऑपरेशन कैन बी परफॉर्म, यानी कि पहला हमने ऑपरेशन किया उसमें आपने एन वन तरीके से उसमें आउटकम्स आए, एन टू दूसरे एक्सपेरिमेंट में आए, और n इक्वल टू n इन वन इन टू एन टू इज द नंबर ऑफ वेज द टू ऑपरेशंस कैन बी परफॉर्म इन सीक्वेंस। लगातार हम एक के बाद एक सीक्वेंस में करते जा रहे हैं तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स विल बी n1 वन इन टू एन टू। ये हमने डायग्राम बनाया इसमें कि n1 ये आपने n1 के बाद आपने n2 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 इतने सारे किए, तो ये एक डायग्राम के फॉर्म में मैंने बताया। एग्जाम्पल जैसे वी हैव ए कमेटी ऑफ 10 पीपल्स, ठीक है 10 लोगों की कमेटी है, वी चूज फ्रॉम दिस कमेटी ए चेयरमैन एंड ए वाइस चेयरमैन, हाउ मैनी वेज कैन बीज बी डन। हमें एक चेयरमैन लेना है एक वाइस चेयरमैन लेना है, तो हमारे पास एन वन यानी कि नंबर ऑफ वेज, तो चेयरमैन कितने तरह से सेलेक्ट कर सकते हैं, तो 10 लोग हैं तो 10 तरीके से सेलेक्ट कर सकते हैं, कोई सा भी हो सकता है। इसी तरह से हमारे पास वाइस चेयरमैन कितने तरीके से कर सकते हैं, क्योंकि ये तो एक तो हमने चेयरमैन चुन लिया, इसका मतलब बच्चे को 9 तरीके से हम वाइस चेयरमैन चुन सकते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स विल बी चेयरमैन और वाइस चेयरमैन चुनने के 10 तरीके से वो और 9 तरीके से वो, तो 90 तरीके से हम चेयरमैन और वाइस चेयरमैन को चुन सकते हैं। जैसे दूसरा एग्जांपल है, इन ब्लैक जैक यू आर डेल्ट विद टू कार्ड्स, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट यू विल डील्ट ए 21। हमारे कोई गेम है ये ब्लैक जैक में, इसमें हमने दो कार्ड्स के साथ खेलना है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि हमें 21 पे हमें दाव लगाना चाहिए। तो नंबर ऑफ वेज दैट टू कार्ड्स कैन बी सेलेक्टेड फ्रॉम अ डेक, दो कार्ड हमें 52 में से दो कार्ड हम कितने तरीके से सेलेक्ट कर सकते हैं, पहला हमने सेलेक्ट किया उसको 52 तरीके से कर सकते हैं, दूसरे को सेलेक्ट करेंगे क्योंकि हम पहला निकाल चुके हैं तो हमारे पास 51 कार्ड बचे, तो हमारे पास 51 तरीके से कर सकते हैं। तो टोटल हम दोनों कार्ड्स को हम 52 × 51 यानी कि दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 2652 तरीके से हम उन कार्ड्स को सेलेक्ट कर सकते हैं। अब 21 कैन अकर इफ द फर्स्ट कार्ड इज एन एस, यानी पहला कार्ड तो हमारे पास एस आए, एंड द सेकंड कार्ड इज ए फेस कार्ड, यानी 10 से लेकर के इनमें से कोई सा भी कार्ड आए, यानी कि ये हमारे पास 21 है, एक तो एक का आए क्योंकि हमें एक का चाहिए, बाकी 20 के लिए हमें इनमें से चाहिए, और द फर्स्ट कार्ड इज ए फेस कार्ड और 10 एंड द सेकंड कार्ड इज एन एस, यानी पहला दूसरा कार्ड हमारे पास एस आए और बाकी सारे इसमें से कोई सा भी आ जाए। तो द नंबर ऑफ सच हैंड्स कि चार तो हमारे पास 1, 2, 3, 4 इनको हम चार तरीके से ले सकते हैं, बच्चे कितने 16 तरीके से, बाकी हम एक उस बाकी को ले सकते हैं और अदरवाइज भी दूसरे सेट में भी इसी तरह से ले सकते हैं, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया और ऐड कर दिया। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ 21 बिल्कुल 128 हमारे पास फेवरेबल नंबर ऑफ केसेस है और 2652 हमारे पास टोटल नंबर ऑफ सेलेक्शन थे, सो प्रोबेबिलिटी विल बी 32/663। अब मल्टीप्लिकेटिव रूल ऑफ काउंटिंग, सपोज वी कैरी आउट के ऑपरेशंस इन
सीक्वेंस, पहले हमने अभी दो ऑपरेशन किए थे एक के बाद एक, अब हम के ऑपरेशंस करने हैं। तो एन वन इज़ द नंबर ऑफ वेज द फर्स्ट ऑपरेशन कर सकते हैं, और एन आई तो उससे पहले हम आई ऑपरेशन कर आईथ ऑपरेशन कर रहे हैं, इसका मतलब हमारे पास आई माइनस वन ऑपरेशन कर चुके हैं, तो वो हमें दैट हैज़ बीन कम्प्लीटेड एंड आई इक्वल टू 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 से लेकर के तक, यानी कि हम एक ऑपरेशन कर रहे हैं और आईथ ऑपरेशन के लिए हमें आई माइनस वन ऑपरेशन और करने हैं, इसका मतलब वो ऑपरेशन हमारे पास दो से लेकर के तक के लिए आएंगे। तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स विल बी एन इक्वल टू एन वन से लेकर के एन के तक हम इन सबको मल्टीप्लाई कर दें। ये फिर उसी तरह से हमें इसका डायग्राम है, फर्स्ट ये एन वन वाला पार्ट, फिर एन टू वाला पार्ट, फिर एन थ्री वाला पार्ट एंड सो ऑन, इस तरह से हम चलते चले जाएँ। यहाँ पे एन फोर, इसी तरह से हमारे पास एन फाइव, इस तरह से हमारे पास एन फाइव, तो इस तरह से हमारे पास चलता चला जाएगा। एग्जाम्पल्स, इसको हम फर्स्ट जो हमारे पास है जो बहुत ही कॉमन चीज़ दैट इज़ कॉल्ड परमुटेशंस। हाउ मैनी वेज कैन यू ऑर्डर एन ऑब्जेक्ट्स, कि एन ऑब्जेक्ट्स आपके पास है उनको आप कितने तरीके से आप अरेंज कर सकते हैं, इसको हम परमुटेशंस बोलते हैं। तो ऑर्डरिंग एन ऑब्जेक्ट्स इक्विवेलेंट टू परफॉर्मिंग एन ऑपरेशन इन सीक्वेंस, एक बाद एक ऑपरेशन करने जाना। तो फर्स्ट ऑब्जेक्ट करने के लिए हमारे पास एन है, सेकेंड ऑब्जेक्ट करने के लिए एन माइनस वन है, kth ऑपरेशन के लिए n माइनस k माइनस वन है, तो इन सबको साथ एक साथ करने के लिए हम क्या करते हैं, इन सबको मल्टीप्लाई कर देते हैं n n माइनस वन इंटू एन माइनस k अप टू वन तक, तो दैट इज़ कॉल्ड द फैक्टोरियल n। तो फैक्टोरियल n इज़ द टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल वेज जिस तरह से हम कर सकते हैं। एग्जाम्पल है इसका a b c d, चार ऑब्जेक्ट्स हैं, इनको हम फैक्टोरियल फोर तरीके से यानी 24 तरीके से, ये मैंने एक एग्जाम्पल से समझाया आपको, ये चार तरीके से हम इस तरह से हम अरेंज कर सकते हैं। एग्जाम्पल्स, परमुटेशन ऑफ साइज़ के, यानी के साइज़ का परमुटेशन है, तो हमारे पास एन में से यानी कि हमारे पास टोटल नंबर एन है उनमें से कोई से भी के आपको लेने हैं तो उनको हम किस तरह से अरेंज करें, तो दैट इज़ डिफाइंड बाई एन पी के, ये ट्वेल्थ में पढ़ा होगा आपने, दैट इज़ डिफाइंड एज एन फैक्टोरियल एन डिवाइडेड बाई एन माइनस के फैक्टोरियल। तो इसका डेरिवेशन की आपको ज़रूरत नहीं, ये सारी ट्वेल्थ की चीज़ें, ऑल आर इन ट्वेल्थ, तो दिस इज़ परमुटेशन। इसी तरह से फैक्टोरियल जीरो हमेशा वन के बराबर होता है, एन पी एन इज़ ऑलवेज फैक्टोरियल एन, यानी कि आपके पास पूरे पूरे एन ले लिए हमने तो फैक्टोरियल एन होता है। ये हमने एक एग्जांपल लिया, हाउ मेनी परमुटेशन ऑफ साइज थ्री कैन बी फाउंड इन ग्रुप ऑफ फाइव, पाँच में से चार कहते थे फाइव पी थ्री, दैट इज़ फैक्टोरियल फाइव डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल टू, यानी कि फाइव इंटू फोर इंटू थ्री, तो ये पूरे पूरे सारे अरेंजमेंट्स हैं। इसी तरह से एक और एग्जांपल है कमेटी ऑफ 10% में, जो मैंने अभी आपको बताया था कि चेयरपर्सन और वाइस चेयरपर्सन को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, साथ में हमें ट्रेजरर भी लेना है, तो तीन लोग ले लें, दस में से तीन को हम कितनी तरह से अरेंज कर सकते हैं, दैट इज़ 10p3 दैट इज़ इक्वल टू फैक्टोरियल 10 डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 7, सो ये टोटल और 720 वेज आपके पास आते हैं। ये तुम्हारा मैंने एक तीसरा एग्जाम्पल लिया है जिससे आप अरेंज करके देख सकते हैं और इसकी प्रोबेबिलिटी यहाँ पर निकाली है। इसी तरह से हमारे पास कॉम्बिनेशन की बात करें हम यहाँ पे, यानी एन में से के कितने तरह के कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, जैसे चार पाँच मैंने ले लिए, पाँच में से तीन के कितने कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, ए बी सी ए बी डी, तो हमारे पास ये कॉम्बिनेशन आता है। तो इन कॉम्बिनेशन ऑर्डरिंग इज इररिलेवेंट, कैसे भी ऑर्डर हो सकता है, डिफरेंट ऑर्डरिंग रिजल्ट्स इन द सेम कॉम्बिनेशन। परमुटेशन में ऑर्डर इज रिलेवेंट, कौन सा पहले रखा है कौन सा बाद में रखा है ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें, क्योंकि तो कॉम्बिनेशन में आप आगे पीछे कैसे भी लग सकते हैं, वो एक सेट की तरह चलता है। जैसे यहाँ पे हमने कोई भी हाउ मेनी वेज कैन यू चूज ए कॉम्बिनेशन ऑफ साइज के ऑब्जेक्ट फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट्स, तो हमें एन पी एन सी के ये हमने कैलकुलेट किया है इन टर्म्स ऑफ, ये इसका सॉल्यूशन निकाल रखा है विद द हेल्प ऑफ परमुटेशंस। तो ये एन सी के और एन सी के एन चूज के, दिस इज इक्वल टू फैक्टोरियल एन डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल एन माइनस के इंटू फैक्टोरियल के, दिस इज ऑल आर इन ट्वेल्थ बुक, ट्वेल्थ सारा का सारा ट्वेल्थ में है, इसलिए इसको यहाँ पे मैं डिटेल में नहीं बता रहा हूँ। और इसको हम एन सी के इज़ ऑल्सो कॉल्ड द बाइनोमियल कोफिशिएंट, ठीक है। इट अराइज दैट वी एक्सपेंड एक्स प्लस वाई की पावर एन इन द बाइनोमियल थ्योरम, में जो हमारे पास टर्म्स आते जाते हैं जो कॉन्स्टेंट्स आते हैं वो सारे के सारे बाइनोमियल कोफिशिएंट्स हैं, ये बाइनोमियल थ्योरम है, इसमें एन सी जीरो एन सी वन एन सी टू अप टू एन सी एन, तो ये हमारे पास आ रहे हैं फैक्टोरियल एन सी जीरो एन सी वन, तो हमें ये बाइनोमियल थ्योरम हमने बताया, इसका ये प्रूफ है, आप चाहो तो समझ लीजिए, नहीं तो ऐसी कोई बहुत ज़रूरत नहीं है, आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा, या तो आप इस चीज़ को भी समझ लेते हैं।
ये हमें पास्कल ट्राइंगल है, दिस इज़ बहुत इंटरेस्टिंग ट्राइंगल है, ये एक प्रोसीजर फॉर कैलकुलेटिंग बाइनोमियल कोफिशिएंट, कैसे कैसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं, तो ये भी 12th क्लास में आ जाता है आपके। द टू एजेज ऑफ पास्कल ट्राइंगल कंटेन्स वन, द इंटीरियर एंट्रीज आर द सम ऑफ द टू नियरेस्ट एंट्रीज इन द रो, द एंट्रीज इन द nth रो ऑफ पास्कल ट्राइंगल आर द वैल्यू ऑफ बाइनोमियल कोफिशिएंट, मीन्स आपके सारे के सारे वन हैं ये, इसकी इन दोनों का सम ये है, इनका सम ये बीच का आएगा, इसका सम ये बीच में आएगा, इन दोनों का सम यहाँ आएगा, इन दोनों का सम यहाँ आएगा, और तीसरी चीज़ है इसमें द एंट्रीज इन द nth रो ऑफ पास्कल ट्राइंगल आर द वैल्यूज ऑफ द बाइनोमियल कोफिशिएंट, और कोई सी भी ऐसी ये एंट्री है तो इसका बाइनोमियल कोफिशिएंट है, यानी कि आपके पास कौन से नंबर पर है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 6, 6, 3, तो ये हमारे पास बाइनोमियल कोफिशिएंट के फॉर्म में आ जाता है ये पास्कल ट्राइंगल। तो ये 4C की है, 3C के, 2C के, 1C के एंड सो ऑन, ये बाइनोमियल थ्योरम। ये मैंने समरी पूरी पूरी सेम वही रूल वन रूल टू जो मैंने पहले एक्सप्लेन किए, अगेन रूल थ्री काउंटिंग रूल्स जिसमें ऑर्डरिंग क्या होती है, परमुटेशन क्या होता है और कॉम्बिनेशन क्या होता है, और एप्लीकेशंस इनके, ऐसे लॉटरी का टिकट है इसमें, ऐसे मेरे पास ये है कि हियर यू चूज 6 नंबर फ्रॉम द इंटीजर 1 से लेकर के 49 तक, वो 6 नंबर चूज करते हैं जो विनिंग नंबर हैं, वो कितनी तरीके से चूज कर सकते हैं, दैट इज़ 49C6 एंड 49 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 6 इंटू फैक्टोरियल 3, तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स विल बी 13,983,816, तो दीज आर द टोटल। तो नंबर ऑफ ये लूज एंड विन इन सेवरल वेज इस तरह से हम कर सकते हैं, पूरा एक एग्जाम्पल है। काउंटिंग पॉसिबिलिटीज, काउंटिंग द पॉसिबिलिटीज, तो टोटल वो आउट टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, ये सब मैंने यहाँ पर बताया है आपको, बहुत ही सिंपल सी चीज़ें, आप इसको देख सकते हैं, इसको मैं एस्केप कर रहा हूँ। ये इसकी समरी है इस क्वेश्चन की, और काउंट समरी का जो काउंटिंग रूल्स की जो समरी है वो ये है कि आपके पास म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट के केस में सारी की सारी प्रोबेबिलिटी का टोटल नंबर ऑफ का सम हो जाता है, इन और टू ऑपरेशंस को एक सीक्वेंस में करते हैं तो उनको मल्टीप्लाई कर देते हैं N1 N2 को, और यदि के ऑपरेशंस को हम सीक्वेंस में करते हैं तो सारे को मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये बेसिक काउंटिंग रूल्स हैं। इंडिपेंडेंस, थैंक यू।